मैंने बेसन लिया है, बेसन इसमें डालने के लिए लहसुन लगेगी, अजवाइन, धनिया और जीरा, इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। मैं पूरा धनिया डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। थोड़ी अजवाइन डालूंगी मैं, टेस्ट के लिए अजवाइन अच्छी होती है। टेस्ट अजवाइन डालो, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा जीरा डालेंगे, मिक्सी में हम इसे पीस लेंगे। मसाला देख सकते हैं आप, बिल्कुल मैंने पतला पीसा है, इसे चटरा नहीं रखना है, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा उससे। इसमें आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं, बट मैंने ये सब नहीं डाला है, मेरे हस्बैंड को हरा धनिया पसंद नहीं है। गाइस हमने ऑयल थोड़ा गरम तेल डालेंगे, तो इसमें हम थोड़ा इसमें ये पूरा मसाला डाल देंगे। जीरा हम मिक्सी में नहीं भी पीसते चलता है, ऊपर से भी डाल सकते हैं, बट मैंने मिक्सी में ही डाला है। हमने मसाला ले लिए, अब इसमें हम थोड़ी लाल मिर्च डाल देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, मुझे जितना लग रहा है मैं डाल रही हूँ, मेरा बच्चा भी खाएगा इसलिए मैं उसी के हिसाब से डाल रही हूँ। थोड़ी हल्दी, इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हम हाथ से ही करेंगे, हाथ से ज्यादा अच्छे से होता है। तेल डाल देंगे, तेल हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है।
इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे इसको, इसे थोड़ा हम टाइट ही रखेंगे। इसे ज्यादा गीला नहीं करना है, टाइट ही रखना है ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस देखिए ये बहुत ज्यादा भी गीला नहीं है और टाइट भी नहीं है, मीडियम है, ऐसे ही रखना है। इसे थोड़ी देर हम सेट होने के लिए रख देंगे। सो गाइस ये हो चुका है, इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, ये इसे सेट होने लगेगा। गाइस ये सेट हो चुका है, इसके हम गोले बना देंगे। इसे बेलने के लिए हमें चावल का आटा लगेगा, चावल के आटे से बेलेंगे हम। तब तक के हम ऑयल भी गरम करने रख देंगे। गाइस हो चुका है बेल के, इसे पतली ही बेलना है, पतला ही करना है। तो मैंने देखो वहाँ पतला रखा है मैंने। अभी से हम काट लेंगे। आप अपने हिसाब से पीस बना सकते हैं, छोटा चाहिए जितना छोटा, बड़ा चाहिए तो बड़ा। ऐसे ही हमें पूरे पूरे तैयार करना है और फिर हम ऑयल में निकाल लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। फिर भी काट लेंगे हम। देख सकते हैं आप तेल गरम हो चुका है। इसे थोड़ा कड़क होने के लिए रखेंगे, एकदम से नहीं निकालेंगे, हल्के रेड हो जाए।
आप देख सकते हैं कैसा रेडिश हुआ है हल्का, इसे निकाल देंगे। ऐसे ही पूरे निकालना है हमें, ऐसे ही हमें निकालना है रेड होने तक। तो गाइस आप ये देख सकते हैं ये कैसी करंजी हुई है, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। एक बार ट्राई जरूर करें, अच्छे लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस।